इंदौर में दिनांक 9 अक्टूबर 2020 को अवैध रूप से जुआ सट्टा तथा आईपीएल मैचों के दौरान सक्रिय हुए सटोरियों की धरपकड़ करने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरि नारायण चारी मिश्र द्वारा इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री सूरज वर्मा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम ब्रांच श्री गुरु प्रसाद पराशर द्वारा क्राइम ब्रांच की टीमों को इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कार्यवाही हेतु समुचित दिशा निर्देश दिए गए थे। उपरोक्त निर्देशों के तारतम्य में क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले आरोपियों के संबंध में सूचना संकलन हेतु मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया था, जिसके अनुक्रम में क्राइम ब्रांच की टीम के सूचना मिली थी कि थाना लसूड़िया क्षेत्र के अंतर्गत पिनेकल ड्रीम्स नामक बिल्डिंग में किराए से फ्लैट लेकर कुछ युवक युवतियां आईपीएल मैचों के सट्टे का अवैध कारोबार ऑनलाइन कर रहे हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम ने थाना लसूड़िया पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए पिनेकल ड्रीम्स के फ्लैट नंबर 1405 में मुताबिक सूचना के दबिश दी, जहां 5 लोग अवैध सट्टे का ऑनलाइन कारोबार करते मिले। इनमें 2 युवतियां तथा 3 युवक शामिल हैं। मौके से आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके नाम पता पूछने पर उन्होंने अपने नाम सौरभ पिता विजय रघुवंशी निवासी ब्लॉक 81 पिनेकल ड्रीम्स निपानिया इंदौर स्थाई गणेश मोहल्ला गुना जितेंद्र पिता गंगाराम गौरा पिता डॉक्टर शिवालाल साकेत प्रेरणा पिता रमेश उप्पल रवि नरवरिया पिता पदम सिंह नरवरिया प्रेम सिंह नरवरिया बताया है, जो कि सभी फोन कॉल के माध्यम से सनराइजर्स हैदराबाद व किंग्स 11 पंजाब के माध्यम खेले गए मैच के लिए ऑनलाइन ग्राहकों से सट्टे के लिए पैसे प्राप्त कर रहे थे तथा मैच के भाव के आधार पर कीमत तय कर लोगों से सट्टे का ऑनलाइन लेन देन कर हार जीत का दांव लगाकर अवैध कारोबार कर रहे थे। सभी आरोपियों ने किराए का फ्लैट लेकर अवैध रूप से आईपीएल मैचों के सट्टे पर हार जीत के दांव लगाने का अवैध कारोबार करना स्वीकार किया है, जिनसे मशरू का जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना लसूड़िया में अपराध दर्ज किया गया है। आरोपियों से विस्तृत पूछताछ जारी है। इनसे बड़े सट्टे के कारोबार के लिंक मिलने की संभावना है।